नमस्कार, मैं अंकिता स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। बुलेटिन के पहले ही एक विशेष समाचार। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत का बेलगाम दौरा। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गुरुवार को बेलगाम में शिष्टाचार भेंट की। बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने बेलगाम के खाऊ कट्टे को शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने इस स्थान पर की गई व्यवस्थाओं पर भी संतोष व्यक्त किया। उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री इस स्थान पर उपलब्ध कराई गई है। यह नागरिकों के आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। उन्होंने इस पहल की सराहना की। इस अवसर पर उद्यमी प्रसन्ना घोटगे भी मौजूद थे। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। कल को निश्चित होगा पार्षदों का भविष्य। चुनाव की व्यवस्था में 612 हथियार जमा। नगर निगम चुनाव में हिंडलगा ग्राम पंचायत से 500 वोट समाविष्ट। वार्ड नंबर 4 से कपिल नार्लीकर का तूफानी अभियान। रविता राहुल रेडेकर को बढ़ता समर्थन। वार्ड नंबर 7 में परेश शिंदे को व्यापक समर्थन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831-243577 और 8884-121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। पूरे सीमा क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच रहे बेलगाम नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार 3 तारीख को मतदान होगा। इस चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। उसके बाद वोटिंग मशीन में पार्षदों का भविष्य सील किया जाएगा। चुनाव के नतीजे 6 तारीख को घोषित किए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए ईवीएम मशीन को बीके मॉडल हाईस्कूल से रवाना किया गया। कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मतदाता अपना मत सही ढंग से डाले, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। मतदान केंद्रों पर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। इससे पहले चुनाव संबंधित कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, इसलिए अधिकारियों ने कहा है कि इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इस संबंध में कोई बाधा उत्पन्न न हो। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह व्यवस्था की गई है। निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ द्वारा यह कहा गया। चुनाव की व्यवस्था में 612 हथियार जमा। पुलिस ने नगर निगम चुनाव से पहले आपराधिक पृष्ठभूमि वाले करीब 650 लोगों को नोटिस जारी किया है और लाइसेंसधारियों के पास से 612 हथियार बरामद किए गए हैं। पिछले चुनाव में और अन्य समय में कानून व्यवस्था बिगाड़ने समेत विभिन्न आपराधिक मामलों में 650 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। कुछ लोगों को थाने बुलाया गया है और निर्देश दिए गए हैं। इस चुनावी अवधि में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर निगम चुनाव में हिंडलगा ग्राम पंचायत से 500 वोट समाविष्ट। नगर निगम चुनाव के लिए मतदान कुछ घंटों में होने वाले है। हालांकि अभी भी नगर निगम की ओर से पूरक मतदाता सूची का काम जारी है। काम देर रात तक जारी रहता है। अंतिम मतदाता सूची की घोषणा के बाद पूरक मतदाताओं को पंजीकृत करने का काम चल रहा है। लेकिन वही निगम की चुनावी सूची में हिंडलगा ग्राम पंचायत के करीब 500 नाम सामने आए हैं। शहर में कुछ जगहों पर वोटरों के नाम उड़ाए गए हैं, इसे भी ध्यान में रखा गया है। इसलिए जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ जी से सुझाव के अनुसार मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारा जा रहा है। यह काम पिछले 3 दिनों से चल रहा है और हर रात 11 बजे तक चलता है। अब कुछ ही घंटों में वोटिंग होने वाली है। प्रचार प्रसार रोक दिया गया है और मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। हालांकि नगर निगम हॉल में अभी भी काम चल रहा है, इसलिए कई प्रत्याशी इस चुनाव में वोट लिस्ट को फिर से मिलाने से डर रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से कपिल नार्लीकर का तूफानी अभियान। युवा सामाजिक कार्यकर्ता कपिल किशोर नार्लीकर वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ रहे हैं।
और उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बुधवार को अपने अभियान का समापन किया। उन्हें उम्मीद थी कि मतदाता उनका समर्थन करेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। उन्होंने शहर के मध्य भाग में रामलिंगखिंड गली, कोनवाल गली, देशपांडे गली, बसवान गली, मारुति गली में मतदाताओं से संपर्क किया है। मतदाताओं ने उनके अभियान को अच्छी प्रतिक्रिया दी और युवाओं ने भी उनकी जीत की गवाही दी है। रविता राहुल रेडेकर को बढ़ता समर्थन। वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी रविता राहुल रेडेकर को उनके विधानसभा क्षेत्र में समर्थन मिल रहा है। मतदाताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि वे जीत के रास्ते पर हैं। रविता राहुल रेडेकर के पति राहुल रेडेकर द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के कारण यह माना जाता है कि मतदाता उन्हें वोट जरूर देंगे। वार्ड नंबर 7 में परेश शिंदे को व्यापक समर्थन। केलकर बाग के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड नंबर 7 के प्रभावशाली उम्मीदवार परेश शिंदे को सभी मतदाताओं का भारी समर्थन मिला है। बुधवार को जैसे ही उनका अभियान समाप्त हुआ, मतदाताओं ने उनके साथ खड़े होने का संकल्प लिया। काक्तिवेस रोड और मन्नूरकर गली में मुस्लिम भाइयों ने कहा कि उन्होंने अपना समर्थन दिया है। कहा जाता है कि इस वार्ड में उनके काम के लिए उन्हें पूरे समुदाय का समर्थन प्राप्त है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्श पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। COVID-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831-243577 और 8884-121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। वार्ड नंबर 30 से नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी राकेश कलघटगी ने सीधे मतदाताओं से संपर्क कर जीत का भरोसा जताया है। उनके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता उनके पीछे खड़े हैं और उनकी जीत का जवाब दिया है। विकास कार्यों के लिए राकेश कलघटगी ने अपने मतदाताओं को गवाही दी है। राकेश कलघटगी ने नानावड़ी, मराठा कॉलोनी, पापामला, सैनिक नगर में मतदाताओं से अपील की और आशीर्वाद लिया। वार्ड नंबर 14 से शिवाजी मंडोलकर को व्यापक समर्थन। वार्ड नंबर 14 से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आधिकारिक उम्मीदवार शिवाजी मंडोलकर को मतदाताओं ने अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। शिवाजी मंडोलकर एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं जो समाज के जमीनी स्तर से एक हो गए हैं, इसलिए उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा है। शिवाजीनगर, वीरभद्रनगर और गांधीनगर क्षेत्रों में मतदाताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। वार्ड नंबर 29 से सुनील बोकड़े को अच्छा समर्थन। वार्ड नंबर 29 में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रत्याशी सुनील महादेव बोकड़े को मतदाताओं ने अपना पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने उपनगर तिलकवाड़ी, हिंदवाड़ी, आनंदवाड़ी और गोवावेस में मतदाताओं से सीधा संपर्क किया। उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों का भी परिचय दिया। उस समय विभिन्न रास्तों से संगठनों और समुदाय के सदस्यों ने उनके पीछे खड़े होने की गवाही दी है। इस निर्वाचन क्षेत्र में सुनील बोकड़े के सामाजिक कार्यों से सभी परिचित है, इसलिए उनके मतदाताओं ने उनकी जीत की गवाही दी है। टैलेंटिका और स्मार्ट न्यूज ऑडिशन के लिए शानदार प्रतिक्रिया। टैलेंटिका और स्मार्ट न्यूज के जरिए ऑडिशन शुरू हो गए हैं। इसे कलाकारों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। संगीत के क्षेत्र में विभिन्न कलाकारों के आविष्कार के लिए यह मंच उपलब्ध कराया गया है। ऑडिशंस 8 सितंबर को समाप्त होंगे। इन गतिविधियों के समन्वय के लिए अमित रायकर, आश्रय वेर्णेकर और प्रवीण रेवणकर ने कड़ी मेहनत की है। शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शनिवार को खातों के आवंटन को लेकर मतभेद दूर करने के बाद कैबिनेट की बैठक करेंगे। खातों के आवंटन के नाखुश मंत्री आनंद सिंह के बैठक में शामिल होने की भी संभावना है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बोम्मई जी ने दिल्ली का दौरा किया था। उस समय वह पार्टी नेताओं से प्राप्त संदेश सभी को देंगे। उन्होंने अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ योजनाओं की घोषणा की थी। कुछ
लंबित और योजनाओं सहित अन्य मुद्दों पर स्वीकृति मांगी जाएगी। मुख्यमंत्री 7 सितंबर को दिल्ली का दौरा करेंगे। उस समय वे आनंद सिंह के खाते के हस्तांतरण पर चर्चा करेंगे। फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जमाति के फर्जी प्रमाण पत्र बांटने के मामले में संबंधित तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं तलाठी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। यह आदेश राज्य के नागरिक अधिकार प्रवर्तन विभाग के पुलिस महानिदेशक ने जारी किया है। पहले फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने वालों के खिलाफ ही आपराधिक मामले दर्ज होते थे। हालांकि प्रमाण पत्र जारी करने वालों को अब कानून के दायरे में लाया गया है। यह आदेश 31 अगस्त को जारी किया गया है। प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति पर आपराधिक अपराध का आरोप लगाया जाता है। हालांकि नए आदेश में न सिर्फ सर्टिफिकेट धारकों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी, जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को अब संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की सिफारिश करनी होगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। छोटे उद्यमियों का देश विकास में एक प्रमुख योगदान है, ऐसा संगठन के अध्यक्ष रोहन जूली द्वारा कहा गया। उद्यमबाग कन्वेंशन हॉल में मंगलवार को नेशनल शॉर्ट उद्यमी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केली एमबी कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर डीजी कुलकर्णी मौजूद थे। इस समय डीबीएसएसआई के उपाध्यक्ष महादेव चौगुले, बीएमटीसी के अध्यक्ष नितिन लांडगे, सचिव वैभव यादव, प्रभाकर नागर मुन्नोली आदि मौजूद थे। प्राध्यापक डॉक्टर डीजी कुलकर्णी का डिजिटल सोच के विषय पर व्याख्यान हुआ। प्रभाकर नागर मुन्नोली ने धन्यवाद दिया। इस समय जय यादव सहित संघ के पदाधिकारी, उद्योगपति मौजूद थे। हिंडलगा में क्रिकेट अकादमी का शुभारंभ। इंडियन बॉयज क्रिकेट अकादमी का यह आरंभ किया गया। सागर मन्नोलीकर द्वारा अकादमी का उद्घाटन किया गया। युवराज अगसगेकर ने सभी का स्वागत किया। मनोज हितलमनी, विनायक कुलकर्णी, नारायण अगसगेकर, सुनील चौगुले, रणधीर मदिवाल, प्रवीण देवगेकर, सुशांत कडोलकर, ऋतुराज पाटिल, संतोष नाइक भी मौजूद थे। इस अकादमी का ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेटरों के लिए लाभ होने वाला है। यश संजना चैंपियन ऑफ चैंपियंस। कंप्लीट कराटे एकेडमी की ओर से गंगाधर शानबाग हॉल में 9 और 10 अगस्त को इंटर क्लास कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कराटे के 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। अजीत शानबाग, गुरुनाथ टी मुख्य अतिथि के रूप में थे। मंच पर जितेंद्र काकतीकर भी उपस्थित थे। ओपन चैंपियन में बालक वर्ग में यश पाटिल और बालिका वर्ग में संजना बागेवाड़ी विजेता बनी। विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस वक्त रमेश अलगुड़ेकर, अक्षय परमोजी, सचिन वर्मेनकर, नील दानवड़े, विनायक कामले ने काम का निरीक्षण किया। कराटे मास्टर जितेंद्र काकतीकर ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। सीसीआई बेलगाम जीता। बुधवार को खेले गए इंटर क्लब लेदर बॉल क्रिकेट मैच में सीसीआई बेलगाम ने ब्लू रिंग बीजापुर को 6 विकेट से हराया। सीसीआई बेलगाम संघ के शुभम खोत को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। बुल्स रिंग बीजापुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में अपने सभी विकेट गवा दिए और 113 रन बना लिए। सीसीआई बेलगाम की टीम से आदि नलवडे ने 4 और राजदीप मोटर ने 2 विकेट लिए। जवाब में सीसीआई बेलगाम ने 26 ओवर में 4 विकेट पर 114 रन बनाए। शुभम खोत ने 40, आरव नलावडे ने 28 नाबाद और आर्यन मुरुड़कर ने 18 रन बनाए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।